नमस्कार, आईएनए न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीलम माई। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में देर रात अचानक से नगरपालिका चेयरमैन फातिमा जबी जिला चिकित्सालय पहुंची। यहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ठंड से बचने के लिए चेयरमैन फातिमा जबी ने इमरजेंसी के बाहर अलाव भी जलवाया। फातिमा जबी ने बताया, हमने रामपुर में बढ़ती ठंड को देखते हुए रामपुर के मुख्य चौराहों पर, जिला चिकित्सालय, बस स्टैंड आदि पर लगातार अलाव की व्यवस्था की है, जिसका समय समय पर जाकर जायजा लेती हूं, और रोडवेज पर रैन बसेरा बनाया गया है जिसकी व्यवस्था भी बेहतर है, मैं उसे भी देखकर आई हूं। आईएनए के लिए जनपद रामपुर से संवाददाता कामरान आमिर की रिपोर्ट। आर के यादव। यादव जी, अभी यहां पर जो है नगर पालिका से जो है मैडम आई थी, क्या किया है उन्होंने बताया? भाई, हमारे ठंड के मौसम में इतनी अच्छी व्यवस्था करा के गई है, हमारे जो मरीज हैं वो अंदर एडमिट है जी। तो अब मरीज तो अंदर एडमिट रहता है, बट हम जो अटेंडर्स लोग होते हैं वो यहीं ठंड में सुकड़ते रहते हैं, तो मैडम का ये अच्छा हमें कार्य लगा कि वो यहाँ आग जला करके गई और हम उनके कार्य से बड़ा खुश हैं। आज मैंने सब सर्वे किया है, जहाँ जहाँ पॉइंट्स हैं जहाँ हमारी लकड़ियाँ डाली जाती हैं, उन सब जगहों को चेक किया है कि किस तरह से ये लोग लकड़ी डाल रहे हैं और टाइम से डाल रहे हैं या नहीं। तब मैंने व्यवस्था को दुरुस्त पाया, बहुत सही तरीके से सब जगह लकड़ी डाल रहे हैं। अच्छा मैम, मेन पॉइंट क्या क्या रखे हैं आपने जहाँ लकड़ियाँ डलवाई जाए? सब पूरे शहर में तो काफ़ी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, रोडवेज, रेलवे स्टेशन, ये मेन है। और जहाँ रिक्शा वाले जैसे खड़े होते हैं या वहाँ पर डलवा दी जाती है, और जहाँ एक्स्ट्रा में भी अगर ज़रूरत पड़ती है किसी को, उनकी वजह से लोग बाहर रहते हैं और खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ भी हम डलवा देते हैं। अच्छा मैम, खुद निरीक्षण कर रही हैं? मैं खुद निरीक्षण करती हूँ। अभी तक कोई कमी तो नहीं मिली? नहीं, टाइम टू टाइम सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और रैन बसेरा का भी मैं देख कर आई हूँ, वो भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, रोडवेज पर रैन बसेरा बना हुआ है। ठीक है।